वेंटिलेटर इतना आसान प्रोजेक्ट नहीं था, ये खत्म हो गया और यहाँ इस मंच पे हम आके खड़े हैं और आप हमारे सामने बैठे हैं। यू कांट इमेजिन कि कितनी खुशी हो रही है हमें, कि ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ी दावत एक कंप्लीट हो गया। राजेश मापुस्कर इतने इवन टेम्पर्ड आदमी हैं और उन्होंने सारे एक से एक गिने चुने माहिर आर्टिस्ट को जो अपने फिल्म में यूज़ किया, सब एकदम प्रोफेशनल एटिकेट के साथ काम किए, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट वॉज नॉट सो डिफिकल्ट। राजेश जी, यस नो ओके सर, वेल इट इज़ अ वेरी ग्रेट फिल्म दैट हैज़ डन। मेरी स्टेज पे आके सामने खड़े होने की अभी तक तो कोई मौका भी नहीं था, आदत भी नहीं था। मैं हमेशा साइडलाइन में खड़ी होकर अपनी बेटी को देखती हूँ, मेरी बेटी आगे आती है, वो कुछ करती है और मैं उसको एडमायर करती हूँ साइड में। आज वो हमारे बीच ना होकर भी अमेरिका में है, पर वो हमारे साथ शरीक है। हर दिन, हर इंसिडेंट, हर इवेंट, सबकी वो खबर रखती है, सब में उनका ओपिनियन होता है और उनका एडवाइस होता है। तो वो आगे आगे और मैं एज पार्ट ऑफ पर्पल पेबल उनके पीछे, और हमारी पूरी टीम एक से एक अच्छे लोग, हार्ड वर्किंग पीपल कम हैं लेकिन बहुत अच्छे हैं। तो हमारी टीम को मेरी तरफ से धन्यवाद कि हम ये पॉसिबल कर सके। बहुत से ऑड्स थे जो कुनिका ने आपको डिस्क्राइब किया, उसके बावजूद हमारी टीम हमारे साथ रही। हमारे आर्टिस्ट्स को हम पूरा कंफर्ट तो दे नहीं सके, हमारी पहली फिल्म थी एंड फ्रेंकली स्पीकिंग डिन नो मच अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट एज अ प्रोडक्शन। वो प्रियंका जो वहाँ 12 घंटे का टाइम डिफरेंस से हमें एडवाइस करती थी, हम उस पर चलते थे। पर अगेन जो हमारे सीनियर HODs थे, दे मैनेज टू स्टिल पुट एवरीथिंग टुगेदर। और मैं अपने आर्टिस्ट से कहना चाहूँगी, अगर कोई हमसे भूल चुक हुई हो तो प्लीज़ आप बुरा ना माने ज़्यादा, एंड वी होप टू बी अगेन टुगेदर एंड वर्क टुगेदर। थैंक यू अगेन फॉर एवरीबडी टू कम एंड जॉइन अस। नक्कीच सब्सक्राइब करा मराठी कट्टा।